डीवी हो चुका है। डीवी में ज़्यादा कुछ नहीं था, डीवी गए हम, पोस्ट ऑफिस पे गए थे, उन्होंने सर के पास गए, सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, तो वहाँ पे मतलब एक बंदे में हमारे आधा घंटा मान लो लग रहा था, क्योंकि वो अच्छे से चेक कर रहे थे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रखे हमारे, सारे हमको वापस दे दिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सिर्फ एक एक कॉपी रख ली और दो अटेस्टेशन फॉर्म थे, बाकी मैं फॉर्म वगैरह सब आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और बगल हजरत निजामुद्दीन से चला था और मेरी ट्रेन थी 3 बजे की, और सुबह यहाँ पे मैं 10:30 बजे पहुँचा, जबकि 8:20 पे उसका पहुँचने का टाइम था, 12:410 उस ट्रेन का नंबर था, गोंडवाना एक्सप्रेस थी, तो ऐसे था। तो मेरे को, और यहाँ पे देखो नागपुर से सबसे आने आने से पहले अगर आपको नागपुर पोस्ट ऑफिस जाना है तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप बाहर आएंगे 8 नंबर जो प्लेटफॉर्म है उसे सीधा सीधा बाहर आ जाना, बिल्कुल लास्ट में 8 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर आएंगे। जैसे बाहर आप बिल्कुल बाहर आएंगे तो ऑटो वगैरह खड़े होंगे, तो वहाँ से चले जाना उनको, या तो आप मेट्रो से भी जा सकते हैं पर मेट्रो से टाइम लगेगा, बट ऑटो सही है, 30-40 रुपये लेते हैं, अगर आप दो दो तीन हो तो फ़ायदा होगा आपको। हम 3 लोग थे, हम ये 8 नंबर की तरफ जा रहा है। गाइस नागपुर पहुंच चुके हैं, कल बैठा था ना हजरत निजामुद्दीन से 3 बजे और अब ये 2 घंटे लेट आई है, 10:30 बजे पहुंचा, उसका 8:20 का टाइम था। तो अभी जा रहे हैं हम सीधे मेडिकल के लिए जा रहे हैं, बाकी सोम्य भाई बाहर मिल जाएगा, बस बाकी दिखाता हूँ 8 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर जाना है। हमारा ऑफिस यही है, टीवी तो खत्म हो चुका है, सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने चेक कर लिए और ओरिजिनल कॉपी वापस कर दिया हमें और फोटो कॉपी रख ली, और अभी हमारे को मेडिकल कराने के लिए भेज दिया, एक लेटर भैया है मेडिकल से, वहाँ जाके मेडिकल होगा, वहाँ जा रहे हैं मेडिकल के लिए भेज दिया। तो मेडिकल हम जब पहुँचे, जब ऑफिस बंद हो चुका था, बाकी मैं डिटेल बता